हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंबिसा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन पार्ट टू वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडी सम डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। नाउ स्टूडेंट, इन पार्ट थ्री वीडियो वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू रिलेशंस एंड क्वेश्चन इज लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन and let R be a relation in A defined by R equal to delta 1 delta 2 such that delta 1 is congruent to the delta 2 so that R is an equivalence relation in set A। यह हमें proof करना है कि given relation equivalence relation होगा। A relation R is said to be equivalence relation if it is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। स्टूडेंट, हमें यहां पर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी शो करना होगा। नाउ सॉल्यूशन, गिवन रिलेशन आर इज सेट टू बी equivalence if it satisfies following properties। first reflexivity, let delta V an arbitrary triangle in A। स्टूडेंट, डेल्टा को सपोज किए हैं कि यह एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल है इन ए। देन डेल्टा इज कंग्रुएंट टू डेल्टा मींस एवरी ट्रायंगल इज कंग्रुएंट टू itself। This implies that R की वैल्यू delta 1 comma delta 2 है, means delta 1 is congruent to delta 2। जब ये delta is congruent to delta होगा, यहाँ से लिख लेंगे ordered pair delta delta is belonging to the R for all delta is belonging to the A। This implies that R is reflexive। सेकेंड, सिमेट्री। अब स्टूडेंट, हम सिमेट्री शो करेंगे। तो लेट डेल्टा वन डेल्टा टू इज बिलोंगिंग टू दी ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा वन डेल्टा टू इज बिलोंगिंग टू दी रिलेशन आर। देन ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा वन डेल्टा टू आर में बिलोंग कर रहा है, यहां से लिखेंगे डेल्टा वन इज कंग्रुएंट टू दी डेल्टा टू। अब फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के कंग्रुएंट है, यहां से लिख लेंगे सेकंड ट्रायंगल दैट मींस डेल्टा टू इज कंग्रुएंट टू दी डेल्टा वन। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा टू डेल्टा वन इज बिलोंगिंग टू दी आर for all delta 1 delta 2 is belonging to the A। This implies that R is symmetric। Now third, transitivity। अब स्टूडेंट, ट्रांजिटिविटी में हम लेट करेंगे डेल्टा 1 delta 2 delta 3 is belonging to the A such that ordered pair delta 1 delta 2 is belonging to the R and ordered pair delta 2 delta 3 is belonging to the R। जब स्टूडेंट ordered pair delta 1 delta 2 R में belong करेगा, means delta 1 is congruent to the delta 2 और यहां हो जाएगा and delta 2 is congruent to the delta 3।
यहाँ डेल्टा का मतलब ट्रायंगल है, यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के कंग्रुएंट है और यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल के कंग्रुएंट है। दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट ट्रायंगल दैट मींस डेल्टा 1 इज कंग्रुएंट टू दी डेल्टा 3। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा 1 डेल्टा 3 इज बिलोंगिंग टू दी आर फॉर ऑल डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज बिलोंगिंग टू दी ए। This implies that R is transitive. R is transitive. From above, R is reflexive, symmetric, and transitive. This implies that given relation R is an equivalence relation, यही हमें verify करना है। यहां पर equivalence relation क्यों है, क्योंकि हम reflexive प्रॉपर्टी को भी शो किए हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी शो किए हैं और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी शो किए हैं। यही रीजन है कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। स्टूडेंट इस पैटर्न पर कई क्वेश्चन गिवन है, गूगल क्लासरूम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देंगे जिसे आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा और इसी पैटर्न पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा जाएगा शो करिए कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए रिफ्लेक्सिविटी शो करना होगा, सिमेट्री शो करना होगा और ट्रांजिटिविटी शो करना होगा। थैंक्स।